क्या हाल है तो सरे, तो वी आर पंटर लोग फ्रॉम पहाड़ियों को चैनल एसटी पहाड़ी बंदा और पेश है आपके सामने एक और न्यू व्लॉग, इंटरेस्टिंग व्लॉग। तो चलो करते हैं शुरू। आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है, अभी मैं जा रहा हूँ अपने कोहो गांव, वहाँ पे पहरेदारी करने के लिए। जो मैंने आपको आलू के खेत बताए थे वहाँ पे पहरेदारी करते हैं। जिस तरह आपने पीछे वाला ब्लॉग नहीं देखा तो उसमें मेरा एक भाई दोस्त करम सिंह भाई उस खेत में पहरेदारी कर रहा था। जितने भी गांव के खेत आते हैं सबकी बारी बारी पड़ती है, जिसके ज़्यादा खेत होंगे उसकी ज़्यादा पहरेदारी होगी। हमारे खेत कम है इसलिए हमें बहुत कम पहरेदारी करने का मौका मिलता है। वहाँ पे दो जगह होती है, एक नीचे है रोपड़ू जगह, वहाँ पे पहरेदारी करते हैं, और एक है ऊपर मटियाना जगह। तो मैं जा रहा हूँ मटियाना जगह गाँव से होकर, और सुबह से होता है शाम तक। तो सुबह मेरी सिस्टर चली गई है और अब मैं जा रहा हूँ कुछ सामान लेके। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, स्पीकर है, ट्राईपॉड है और एक पानी की बोतल है, क्योंकि भाई धूप है तो धूप बजेगी तो प्यास तो लगेगी। तो चलो चलते हैं, अब आपको दिखाते हैं अपने खेतों का नज़ारा, गाँव का नज़ारा। तो हाँ जी, अभी मैंने गाँव क्रॉस कर लिया और अभी जाना है, मेरे को चढ़ाई चढ़नी है और वहाँ पर सिस्टर मेरे इंतज़ार कर रही होगी। एक्चुअली उसे स्लॉट भी बुक करना है, नहीं तो क्या पता वही देती और वो मार्केट भी जाती है कुछ काम सीखने के लिए। तो बताऊंगा कभी उसको, पहले तो चढ़ लेता हूँ भाई, बहुत ही ज़्यादा चढ़ाई है। बॉयज एंड गर्ल्स, यहाँ से आप नज़ारा देख ही सकते हो। ये है जो नीचे रिजर्वायर और ये जो है कैंप्स लगे हुए हैं, और ये ऊपर ढांगण गांव, और इधर भी आप देख सकते हैं कि ये वाला भी कैंप्स है। बाकी ये यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे भी घर है हमारे गांव वालों के, और मैं कुछ घर वहाँ पे है। और बाकी वो जो दिख रहा है आपको वो है गलू गांव, और ये गांव पता नहीं है मेरे को, शायद कौन सा गांव अपने पता नहीं। अगर आप यहाँ के लोकल हो तो, अगर आपको पता हो तो बता देना भाई कमेंट में। और बाकी वहाँ पर ऊपर है सिस्टर, आगे जाके दिखाता हूँ। पर आप गाइज व्यू देखो, क्या ही व्यू है। वाइड एंगल होता तो आप बोलते कतई जाए। गाइस एक्चुअली एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक पहरादार वहाँ बैठता है और एक पहरादार वहाँ बैठता है। तो उस जगह का नाम जो है, उस जगह का नाम है रोपड़ू, और इस जगह का नाम है, ये है मटियाना, क्योंकि यहाँ पे मिट्टी ज़्यादा होती है ना, इसलिए मटियाना नाम है। बाकी आप यहाँ पर व्यू इन्जॉय करो, कुछ सिनेमेटिक बताता हूँ, पहले वहाँ पहुँच लेता हूँ ऊपर। हेलो गाइस, इधर आ जाओ। आज देखते हैं कि ये है अपने पहरेदारी का घर। मैं कैमरामैन को बोलूँगा कि आगे आके बताएं। तो आज देख सकते हैं हमारे पहरेदारी वाला घर, एक पहरेदार नीचे है और जहाँ पे नीचे बांधते हैं हम कुत्ता, तो आज वहाँ पे हमारी बारी नहीं है। मेरे को बताएं, कुछ चीज़ बतानी है। तो तेरा स्लॉट 12 बजे, बुआ ने मेरे को बोला था फ़ोन करके कि तेरा स्लॉट 12 बजे बुक होगा, तो ले जाना फ़ोन वगैरह का, नहीं स्लॉट बुक कर देना 12 बजे का। ओके चलो ठीक है, तो जाओ अब मैं ही करता हूँ पहरेदारी। क्यों गाइस, तो आप थोड़े से अब सिनेमैटिक एंजॉय करो। हटे हटे हटे। सजनों, ये वीडियो मैं आपको फोन से ही बना रहा हूँ, पर आपको ऐसा लग रहा होगा कि जैसे कोई ड्रोन शॉट चला हुआ है। अगर नहीं लग रहा है तब भी आप कमेंट में मुझे बता देना, अगर लग रहा है तो तब भी भाई कमेंट में बता देना। बाकी आप एंजॉय करो, जो वो वहाँ दिख रहा है आपको, वैसे मैं पहाड़ों को दिखाता था पर आज मैं पहली बार आपको अपना घर दिखा रहा हूँ जूम करके। तो वहाँ पे आप ये देख सकते हो कि छोटा सा पिद्दी सा दिख रहा है, वो हमारा घर है, और ये कुछ ग्रीनरी जो कि ब्रोड की शान है, आप देख ही सकते हो कि क्या ही है, क्या ही बोलें दोस्तों, हिमाचल वाला भाई का डायलॉग याद आता है। तो दोस्तों इस थोपड़े को आप मिस कर रहे थे, तो ये थोपड़ा मैं आपके सामने पेश कर दिया। तो
आई होप आपको ये थोपड़े देखने की आदत हो चुकी है, अगर नहीं हुई है तो सब्सक्राइब कर दो, आपको इस थोपड़े देखने की आदत हो जाएगी। और आपको मैं एक और चीज़ बता दूं कि गांव में जहां पहरेदारी करते हैं तो वहां पे थोड़ा शोर वगैरह डालना पड़ता है, तो वो शोर वगैरह मैं आपको सुनाऊँगा कैसे। तो सबसे पहले तो कैमरा सेट कर लेता हूँ। बाकी वो शोर इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे बंदरों वगैरह का डर रहता है, तो उस शोर के कारण वो आने की कोशिश नहीं कर पाते हैं, और उस कोशिश को नाकाम करने के लिए हमें ये पहरेदारी करनी पड़ती है। तो बस ज़्यादा बोर नहीं करता हूँ और आपको दोस्तों और उनकी बहनों, आपको भी मैं अब अपने पहरेदारी के कुछ हुनर टिप्स सिखाता हूँ जो मैंने आपसे बात की थी कि शोर डालना पड़ता है बंदरों को डालने के लिए। तो सुनिए पर हंसना मत। हाय चो 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 हाय चो 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 हाय चो 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 चो। दोस्तों तो अभी टाइम हो रहा है 1:28। तो अभी मैं गया था खाना लाने, मम्मी ने भेजा था किसी के पास, तो खाना मेरे पास पहुंच चुका है। तो अभी बता दें आपको कि खाने में क्या क्या मिला है। बोतल पानी है इसमें, लेम का मत समझना, पानी की बहुत समस्या होती है भाई, धूप बसती है ना ऊपर से। और भाई चपातियाँ, और इसके बिना खाऊंगा कहाँ। दोस्तों अब मैं आपको लाइन बार समझाता हूँ और दिखाता हूँ कि मुझे क्या क्या चीज़ दी है घर से। ये तो मैं सुबह लाया था, तो इसमें चावल थे जो मैंने यहाँ पे रख दिए, और यहाँ पे कड़ी है, और यहाँ पे भुज्जी बनी है। ये भुज्जी किस चीज़ की है मेरे को नहीं पता, और ये पानी, और ये यहाँ पे चपाती। तो खाता हूँ आपको, और तब तक आप थोड़े टाइम लैप्स एंजॉय करो और क्लीच कम लगाना। चलिए शुरू करते हैं। अभी मेरा जाने का टाइम हो चुका है, अब मम्मी करेंगी इसके बाद पहरा जितने बजे तक भी होता है, 7-8 बजे तक। तो बस इस वीडियो को ख़त्म करने का टाइम आ चुका है, तो बस इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के बाद अरे भाई जो साथ में बेल आइकन है उसे दबा के ऑल पे सेलेक्ट कर देना। बाकी आप पीछे व्यू देख सकते हो, क्या बोलते हो, थंबनेल बना दूं इसको। तो बस बाय।